वेलकम टू ट्रेडर्स डाइजेस्ट बाय एंजल वन मैं हूं ऋतिका और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ट्रेडिंग वीक का क्विक मार्केट वीक और हमारी रेकमेंडेड एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी अलोंग विद वन स्टॉक ऑप्शन रिकमेंडेशन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमारा आपके साथ पचासवा एपिसोड है विच इज पर्सनली अग माइल स्टोन फॉर मी और मैं इसके लिए पूरी ट्रेडर्स डाइजेस्ट कम्युनिटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ लेकिन हमेशा की तरह इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें टू डू सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब एंड क्लिक द बेल आइकॉन ताकि मार्केट की हर एक जरूरी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले आफ्टर प्रीवियस वीक सेल ऑफ फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज़ मंडे को इस हफ्ते की शुरुआत काफी चेयरफुल नोट पर हुई इंडाइसिस अर्ली मॉर्निंग गेन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए एंड प्लंज्ड बिलो द साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 18,000. पर इसके ठीक एक घंटे के बाद निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश की पर फिर से इट गॉट सोल्ड इनटू और सेशन के एंड 18,100 से थोड़ा सा ऊपर हुआ अगले ही दिन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव रही और इनिशियल आवर में कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखा गया जिसकी वजह से निफ्टी 18,250 पर पहुंच पाया बीच में कुछ अड़चनों के बाद ही सही पर मार्केट में फिर से फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखा गया इन द लैटर हाफ और सेशन पॉजिटिवली कंक्लूड हुआ एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी फॉर मे चपा पार्ट ऑफ द डे 18300 के आसपास कंसोलिडेटेड रहा ट्रेडिंग के फाइनल आवर में हमने फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखा जो 18167.90 के इंट्राडेज लो तक आ पहुंचा और सेशन 18200 से थोड़ा ऊपर कंक्लूड हुआ एफएनओ स्पेस की बात करें तो दोनों इंडाइसेस की ओवरऑल एक्टिविटी मिक्स्ड रही मीनवाइल एफआईआईज ने इक्विटीज और इंडेक्स फ्यूचर्स में बेरिश बेट्स एड्स करना प्रेफर किया वेंसडे को पुट राइटर्स ऑफ 18,100 थाउजेंड 18,250 एंड एटीन पे अपनी पोजीशंस कवर करते देखे गए फॉलोड बाई फ्रेस बिल्डअप इन दी ओटीएम स्ट्राइक ऑफ 17,900. दूसरी तरफ 18,200 से 18,400 कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी राइटिंग देखी गई जिसकी वजह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन 18,500 से 18,300 पर पहुंचा ये बुल्स के लिए अच्छी नहीं है ऑप्शंस एक्टिविटी को देखते हुए हम निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 18,300 इसलिए मंथली एक्सपायरी के दिन 18,250 से 18,300 की ओर कोई भी पुल बैक मूव को एट द मनी पुट्स बाय करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है नाउ लेट्स टेक एट ऑप्शंस रिकमेंडेशन ऑफ द वीक इस वीक हम ट्रेडर्स को रिकमेंड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस नवंबर एट 7300 अच्छा। पुट ऑप्शन तो रुपीज टू टू 245 की रेंज में 390 रुपीस के टारगेट के लिए आप इस ऑप्शन का स्टॉप लॉस एट 168 रुपीस पर लगा सकते हैं आई होप आपको हमारे आज के ट्रेजे स्टाइचेस्ट वीडियो से मदद हो पाए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड टेल अस इफ यू बेनिफिटेड फ्रॉम आर वीडियोस इन द कमेंट सेक्शन बिलो मैं आपसे एक बार फिर से मिलूंगी विद लॉट मोर विद साइज एंड रेकमेंडेशन नाउ ऑन मंडे मॉर्निंग और आज के लिए आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे एट द स्टॉक मार्केट Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.